व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल रुथ व्लॉग्स। गाइज, आज की वीडियो में हम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2023 के जो मीटर कंसोल है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो मीटर कंसोल है उसके बारे में वीडियो बनाओ। और जो सेल्समैन होता है काफ़ी जगह, वो मीटर कंसोल के बारे में प्रॉपर तरीके से जो कस्टमर है उनको बता के नहीं देते, और ना ही रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ कोई भी बुकलेट आती है जिससे आप खुद से पता कर सको कि कौन से फंक्शन क्या होता है MID के अंदर, मीटर कंसोल के अंदर। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर रहने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि गाइस चैनल पर ऑटोमोबाइल वीडियो एंड DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इसके लॉक अनलॉक की। जो पहले की ओल्ड जनरेशन 350 क्लासिक आती थी, कंपनी उसके लिए हैंडल लॉक यहाँ पे साइड में ऑफर करती थी, जिसके कारण आपको दो दो जगह अपनी जो बाइक की है वो इंसर्ट करनी पड़ती थी। पहले हैंडल को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे साइड में की लगानी पड़ती थी, देन उसके बाद बाइक को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे की इंसर्ट करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्लासिक 350 2023 के अंदर आपको एक जगह ही दे दिया है कंपनी, मतलब यहीं से आप अपनी बाइक का हैंडल लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहीं से अपनी बाइक ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कर दिया है पहले के अकॉर्डिंग। एंड जैसे ही आप बाइक के अंदर की इंसर्ट करते हो तो बाइक आपका वेलकम करती है कुछ इस तरीके से। एंड जो बाइक का एनालॉग मीटर रहने वाला है, ये पूरा एनालॉग रहने वाला है, कोई डिजिटल रहने वाला नहीं है। एंड जो एनालॉग मीटर है, इसके अंदर आपको किलोमीटर पर आवर एंड माइल्स पर आवर के अंदर दोनों के अंदर स्पीड देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको साइन देखने को मिल जाते हैं न्यूट्रल के, बैटरी का, ABS का एंड इंजन लाइट। ये चेक लाइट होती है, बाद में आप अपनी बाइक स्टार्ट करते हो उसके बाद ये रिमूव हो जाती है। एंड यहाँ नीचे की तरफ आपको एक छोटी सी MID डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसके अंदर आप अपनी फ्यूल का जो मीटर देख सकते हैं कि आपका फ्यूल कितना है इन ट्रिप के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आपको किलोमीटर देखने को मिल जाएगी कि आपकी बाइक कितनी किलोमीटर ड्रिवन हो चुकी है। एंड यहाँ पे आपको इको मोड देखने को मिल जाता है। अगर आप अपनी बाइक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ड्रिवन करते हो तो यहाँ पे इको मोड शो होगा। एंड कभी कभार इको मोड के जस्ट आगे एक चाबी का सा साइन आएगा जो कि ब्लिंक करेगा, जैसे पाना टाइप का, चाबी टाइप का होता है। तो काफ़ी लोग डर जाते हैं कि किस चीज़ का साइन आ रहा है, मैं भी डर गया था क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये किस चीज़ का साइन है। तो गाइज़ ये जो आपकी जो सर्विस होती है वो रिमाइंडर होता है, मतलब एक दो मंथ पहले सर्विस में आने से पहले, काफ़ी किलोमीटर पहले ही आपको यहाँ पे एक चाबी का साइन आने लग जाएगा और ब्लिंक करने लग जाएगा। लेकिन जब भी आप अपनी जो ये MID डिस्प्ले, जो कंट्रोल करने का बटन है, इसको बार बार प्रेस करके चेंज करोगे MID के अंदर, तो वो साइन चला जाएगा। तो एक तरीके से ये रिमाइंडर होता है, सर्विस रिमाइंडर, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर अगर चाबी का साइन आए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्विस के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन देता है। एंड जो MID डिस्प्ले है, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपनी बाइक के अंदर जो भी ट्रिप सेट करना चाहते हैं, ट्रिप 1 ट्रिप 2, आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ से आप ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे बिल्कुल खाली स्पेस देखने को मिलती है। इसकी जगह आप चाहो तो ट्रिपन नेविगेशन यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो। आफ्टर मार्केट जाके कंपनी यहाँ पे ट्रिपन नेविगेशन यहाँ पे ऑफर नहीं करती है, आप चाहो तो यहाँ इस जगह पे करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे राइट साइड में आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक के जो चारों इंडिकेटर है एक साथ ब्लिंक करें, तो आप इस साइड में इस बटन को इस साइड में करोगे, जो हैजार्ड लाइट का जो ये साइन बन रहा है, तो चारों इंडिकेटर आपके एक साथ ब्लिंक करेंगे, जैसा आप देख सकते हो इस तरीके से। एंड लेफ्ट साइड में आपको पासिंग का देखने को मिल जाता है, जब भी मतलब आप किसी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो, पास कर रहे हो, तो आप ये डिपर मार के आप पासिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाता है, लो एंड हाई। एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे हॉर्न देखने को मिल जाता है। बट गाइज, इतनी बजट की बाइक बनाने के बाद भी कंपनी ने 2-3 फीचर इसके अंदर मिसिंग कर दिए हैं, जो कि आपको नॉर्मली नॉर्मल बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जो पहला फीचर मिसिंग रहने वाला है वो ये है, जो गियर इंडिकेटर है, जो आपको नॉर्मली हर बाइक में देखने को मिल जाता है। जब भी आप अपनी बाइक के गियर शिफ्टिंग करते हैं, जैसे कार के अंदर इंडिकेटर होता है कि आपको सेकंड गियर में चलानी है, थर्ड गियर में चलानी है, या कौन से गियर में डालनी है, वो इंडिकेटर इसके अंदर देना चाहिए था, ये वाला फीचर। एंड जो दूसरा फीचर है, जो आपको छोटी से छोटी बाइक में देखने को मिल जाता है, मतलब जब भी आपकी बाइक का स्टैंड अगर लगा होगा तो इसके अंदर शो होगा एंड आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन गाइज़, ये वाला नॉर्मल फीचर भी इस बाइक के अंदर मिसिंग है। गाइज, ऐसे छोटे नॉर्मल फीचर इसके अंदर मिसिंग है, जो कि कंपनी को इसके अंदर देने चाहिए थे। एंड गाइज, अभी दिखाता हूँ, मेरे बाइक का स्टैंड लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा, और मैं स्टार्ट करूँगा तो ये इजी वे के अंदर स्टार्ट भी हो जाएगी।
जबकि आप ये छोटा सा फीचर एक स्प्लेंडर बाइक के अंदर भी देखने को मिल जाएगा या नॉर्मल बाइक इससे भी उसके अंदर भी देखने को मिल जाता है, मतलब साइन शो करता है इसके अंदर। एंड अगर आप सेल्फ मारोगे तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टैंड लगा हुआ है अच्छे से, उसके बाद भी यहाँ पे कोई साइन शो नहीं कर रहा है एंड इजी वे के अंदर स्टार्ट हो रही है। तो ये छोटे मोटे फीचर कंपनी को इसके अंदर डालने चाहिए थे इतनी बजट की बाइक के अंदर। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऑटो रिलेटेड वीडियो एंड डीएफ टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो आती रहती है। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।